इस वीडियो को देखने के पहले ईयरफोन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में कोई वल्गर वर्ड नहीं, कोई अब्यूजिंग वर्ड नहीं है, जहाँ तक मुझे पता नहीं है। पर सेफ्टी के लिए पास में रख दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ईयरफोन तो सबके पास होंगे। पर नहीं है, नहीं है, तुम विदाउट ईयरफोन भी देख सकते हो, पर हो सके उतना एक अकेले रूम में बैठ के देखना, ज़्यादा फायदा रहेगा, वरना फिर पप्पा कूटेंगे। आपके साथ ट्रेनिंग करनी है एक बार यार, फिटनेस मॉडल, मतलब आप फिटनेस मॉडल कहो, कंटेंट क्रिएटर कहो, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर। आप सबके कानों में विसिल बजाने के लिए मुझे खेद है, पर आप सबने जो भी सुना वो 1001% सच था। पाजी की मैं बचपन से इज्जत करता हूँ और उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, पर पाजी यार आपने ये क्या बोल दिया? काफी चीजें आप ही फॉलो कर रहा था, इस म्यूजिक वीडियो में आपको देख रहा हूँ, कभी उस म्यूजिक वीडियो में देख रहा हूँ, मैं कहा ये लड़का छा रहा। थैंक यू सो मच पाजी, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। ओह, ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है, तेरी अभी औकात बाहर निकलता हूँ लोगों के सामने। अब आपको लग रहा होगा कि ज्यादा तो ये अदनान बोला है तो मैं इस फेजू को क्यों लपेट रहा हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैदे का काम है सिर्फ चलना, चलाता उसे उसका राजा ही है। तो आपको बता दूं, इस वीडियो में आज मैं इस बॉस राजा का बजाऊंगा बाजा। ये तो होगा, ये तो होगा। तो आप YouTube कंटेंट नहीं बनाते? It was at this moment he knew he fucked up। बाजी अभी इंशाल्लाह मैं TikTok भी बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ। मैं 30 सेकंड से ज्यादा 3 मिनट में, फिर 3 घंटे की फिल्म। ओ भाई, अभी तो सिर्फ पूछा है, ये बावली गांड की तरह फड़फड़ा क्यों रहा है? क्या हुआ, गांड फट गई? साला तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ है साफ साफ कि 15 सेकंड से ज्यादा अगर तुम वीडियो बनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो हो गए तुम सबके मुंह बंद, जिन सबको इसने पैसे दिए थे। और मैं कैसा सबूत देता हूँ और तुम्हारे गांड में डाल देता हूँ इंजेक्शन। तो आज हमने डिसाइड कर लिया है, आज हम इस पूरे वीडियो में इस टीम 07 की और इस पिचकारी की शक्ल जैसे की रंगत उतारेंगे। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, मुझसे इंग्लिश में बात करा करो। ओके, टेल मी व्हाट्स फॉर लंच। तो कैसे हो मेरे देश के दीवानों, आप सबका स्वागत है। दिस इज योर फ्रेंड रोहित राजपूत एंड यू आर वॉचिंग ज्ञानी अड्डा। ये आज का मेरा वीडियो डेडिकेटेड है हमारे सबसे बेहतरीन रोस्टर, जिनका नाम है लक्ष्य चौधरी। भाई यार, तुम बोलते बहुत बढ़िया हो, आपके लिए एक शायरी पेश करता हूं। शायरी तुम्हारी दिल को चूती, अदा तुम्हारी न्यारी प्यारी। शायरी तुम्हारी दिल को चूती, अदा तुम्हारी न्यारी प्यारी। लेते तुम सबकी बारी बारी, रोस्ट करके लगाती तुमने सबकी लॉटरी। नाम है तुम्हारा लक्ष्य चौधरी। हो गया लपचप, अब सीधा मेन कोर्स पर आते हैं। बहुत कंट्रोल किया, मैं जरा भी नहीं सोचा था कि मैं इस बारे में बोलूंगा लाइफ पे, पर बोलना पड़ा, मेरे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, सॉरी। अच्छा, कौन है भर देते? नहीं नहीं, भरना नहीं है, ये लोग देख के ही भाग जाएंगे, ऐसे लोग हैं, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे मादर चोद, इतने जूते मारेंगे साले, तेरी सात पुश्तें भी याद रखेंगे। तो अब बात मारने पे आ चुकी है, तो भाई सुन, ये गंदी सी शक्ल तेरी, ये फुद्दू से कंटेंट तुम्हारे, और ये फुद्दू सी ऐप चाइना की, और मारोगे हमें? तो भाई अब ये वीडियो लक्ष्य चौधरी को डेडिकेटेड है, तो थोड़ा उनके स्टाइल में इनको जवाब देते हैं। बाल है बड़े, बातें है तेरी छोटी। बाल है बड़े, बातें है तेरी छोटी। चल हट बहन की लड़ी। पास वाले को देख रहे हो कैसे मीठे होने की ट्रेनिंग ले रहा है भाई, लगे रहो लगे रहो। मन जाएगा, मन जाएगा, मन जाएगा। ओ भाई सुन, ये ऐसे ऐसे करने से ना तुमसे कोई डरने वाला नहीं है। टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि तू बोल रहा है चूतिए। मस्त गाली दिया। और दिखाऊं कि इतना बस है?
छोड़ो तुम और देख लो, लगता है तुम्हें विश्वास नहीं आया, और देख लो। लो क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। और अगर मैं वहाँ होती तो? अरे बहन तो सवाल मैं चाय बना के पीता। अरे बहन तो मन ना होता तो मैं तो वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे। अबे तू फिर से आ गया? अभी तो साले सिर्फ मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ, अगर पूरी यूट्यूब कम्युनिटी तेरे पीछे पड़ गई ना। आप बोलो डूबे भाई, अरे पैसा छूट जाएंगे। ओ भाई तेरे लिए ना किसी और की जरूरत ही नहीं है, तेरे लिए ना सिर्फ मैं ही काफी हूँ। इसको ना साले को छोटी सी उम्र में लगता है पोलियो की खुराक नहीं दी, इसलिए आज इसको ये दौरे पड़ते हैं। सबका हिसाब होगा जब दिमाग खराब होगा। चलो आते फिर यूट्यूब पे आओ, मिलते वहीं पे। तो आना भड़वे, किसने रोका है? आ तो जा एक बार, फिर देख तेरे साथ कैसे हम टेबल टेनिस। टॉकर का मजाक उड़ाने वालों, थूक जितनी औकात है तुम्हारी। ओ मेरे मुन्ना बात तो सुनना, रोस्टिंग नहीं है कोई खिलौना, तो पहले जाओ कैरी डैडी से रोस्टिंग सीख के आओ, फिर फैक्ट फिगर में रोस्टिंग करना। कि आप रोश को डेट करोगे, मेरे को डेट करोगे या तंदीर को डेट करोगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। ओ गमाल गोटी की शक्ल जैसे लौंडे, तो ये सब टैलेंट लेके लक्ष्य चौधरी के सामने गया था? तो भाई ना तेरी बहुत कम बजाई है, तेरा तो और बजाना बनता है। चल जाओ ना, अभी ऐप डिलीट करो, जो खाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हो तुम। ओ च्यवनप्राश साला, इधर देश की थाली में खा के वहां छेद करते हैं, तुझे इस टिकटॉक की पड़ी है? तुम्हें ना तो साला हम शायरी फेंक के मारेंगे। तो सुनो ये, बैठे थे हम गली में हो गए थोड़े लेट, बैठे थे हम गली में हो गए थोड़े लेट, ज्यादा बोले ना तो कर देंगे तुम्हारी चड्डी में छेद। रोस्ट क्यों किया? क्यों मैंने वो IGTV वीडियो बनाया था? क्यों मैंने वो IGTV वीडियो डिलीट किया? क्यों मैंने वो IGTV वीडियो के अंदर बड़े बड़े रोस्टर्स लोगों को टैग किया, मेंशन किया? और वीडियो चालू करने के पहले, तो भाई इस लॉकडाउन में तेरी किसी ने बजाई नहीं थी और तुझे हो रही थी खुजली, तो ला भाई मैं मिटा देता हूँ तेरी खुजली। सुन, सेव है मीठी कैरी है खट्टी, सेव है मीठी कैरी है खट्टी, भैंचो एक ही जापड़ में निकल जाएगी तुम्हारी टट्टी। का जो मसला चल रहा है, मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इसको खत्म करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो भाई तू जाके कूद, चाहे सुसाइड कर, चुल्लू भर पानी में डूब मर, क्योंकि ये YouTube वर्सेस TikTok शुरू तुमने किया था, खत्म हम करेंगे। और अब ये इतना जल्दी तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि भाई पब्लिक को चाहिए मजे, हमें चाहिए व्यूज। अब तुम हो समझदार, समझ जाओ। छोटा बच्चा दूध की बोतल, छोटा बच्चा दूध की बोतल, शकल तेरी काली संडास की नाली। ओ भाई क्या लिखा है जरा पढ़ना। कि मैंने कुछ थोड़ा भी सही बोला है तो मैं एक हैशटैग चालू कर रहा हूँ, जो है हैशटैग आमिर अगेंस्ट साइबर बुलिंग। तो मैं थोड़ा भी सही बोला है तो मैं एक हैशटैग चालू कर रहा हूँ, जो है हैशटैग आमिर अगेंस्ट साइबर बुलिंग। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद बहन चोर। म्यूजिक और जाते जाते हमारे देश के ये मजदूर जो बहुत ही मेहनत से इतना काम कर रहे हैं, उनके लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा, तो ये सुनकर जाइएगा, उसके बाद थोड़ा और बोलूंगा। ऐ सड़क तुझे बहुत गुरूर था ना अपने लंबे होने का, ऐ सड़क तुझे बहुत गुरूर था अपने लंबे होने का, इन गरीबों के हौसलों ने तुझे पैदल ही नाप लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको कैसा लगा ये Part 3 मुझे जरूर बताना, और क्या Part 4 मांगता यूजिंग #bulla कमेंट में जरूर बताना। तो मेरे दोस्तों जिसने भी ये चेहरा पहली बार देखा है तो उसे नीचे लाल वाले बटन सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, इस थोपड़े को देखने की आदत डाल दो। तो आपके प्यार के लिए वो लाइक बटन दबाओ और डिसलाइक वाले भाड़ में जाओ। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।